अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गोल्ड के डेली और वीकली एनालिसिस के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ, जो कि डेली बेस और वीकली बेस पे मैं गोल्ड के एनालिसिस शेयर करता हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं गोल्ड के चार्ट को रीड करता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करें मस्ट, क्योंकि वहाँ पर मैं सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ प्रोफेशनल, और उसकी एक्यूरेसी 95% होती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ गोल्ड के एनालिसिस के बारे में और आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को ट्रेड फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए। तो गोल्ड अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो गोल्ड का अभी इस टाइम पे ये ऑल टाइम हाई है, देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई गोल्ड ने क्रिएट किया है। क्योंकि अगर हम इसके पहले की बात करें, ये 2600 का प्लेस कैंडल क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि प्राइस वहाँ पर सस्टेन हो जाए। तो कैंडल क्लोजिंग अगर आपने निकालनी है तो आप लाइन चार्ट पे जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो लाइन चार्ट पे तो हमने ये देखा कि ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और वहाँ पे ये सस्टेन हो चुका है 2414 के एरिया पे, जो कि 14 USD पे इसने ब्रेक लगाया है। लेकिन हम RSI को अगर देखें तो RSI ओवरबॉट हो चुका है, और RSI का अभी जो लेवल है वो बहुत अपसाइड पर है। अभी मैं आप लोगों को कुछ अहम ट्रेंड बताता हूं कि गोल्ड ने, देख सकते हैं ये एक ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पे, जो कि ये है 2430 का प्लेस, ये है 2430 यानी 2430 का प्लेस है। अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ आइडिया शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और इंट्री और एग्जिट लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैंने यहाँ से व्हाट्सएप चैनल पर फ्री में बाई करवाया था, जो कि ये लेवल था, ये लेवल देख सकते हैं, यहाँ से मैंने बाई करवाया था। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने सिग्नल दिया हुआ था लॉन्ग टर्म की, और 2400 मेरा टारगेट था तो वो हिट हो गया। तो अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। अभी इस टाइम पे अगर आप देखें तो गोल्ड ने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर तब्दील कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ से हायर हाई शिफ्ट किया, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई, देख सकते हैं लोअर लो देन हायर हाई। अभी इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने जो मोमेंटम है उसको शिफ्ट किया है हायर हाई यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। लेकिन एक बात इंट्री का जो है यहाँ पे बन सकता है। अभी मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल को लगा लेता हूँ, आप लोगों को ईजी करवाने में मदद दे सकती है पैरेलल चैनल। देख सकते हैं इसके लो पॉइंट से, ये देख सकते हैं ये लो पॉइंट था, और इसके हाई तक बिल्कुल बराबर मैं रखता हूँ। उसके बाद इसका जो नेकलाइन है देख सकते हैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस पैरेलल चैनल को, ये देख सकते हैं ये हाई लो में आपको मदद देती है। तो देख सकते हैं इस पैरेलल चैनल ने यहाँ से एक बार रिजेक्ट किया था मार्केट को, दोबारा इस पैरेलल चैनल के जो ऑफ एरिया है ख़त्म होने वाला उसको रिजेक्ट किया, फिर से इसको रिजेक्ट किया, उसके बाद अपसाइड से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ तक आया। तो अभी एक सिचुएशन बन सकती है 2400 को प्लेस जो है ना, 2400 का प्लेस इसको टेस्ट कर सकता है गोल्ड, देख सकते हैं ये प्लेस इसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन इससे नीचे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को सस्टेन कर लिया है। तो अगर यहाँ पे आपको बाई का स्ट्रक्चर मिलता है कंफर्मेशन के साथ तो आप इसको बाई कर सकते हैं 2450 तक, इसको बाई में रख सकते हैं, 2470 तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। अगर आपको कंफर्मेशन की मालूमात नहीं है कि कंफर्मेशन मैं किस तरह से कैसे ले सकता हूँ, मैं इंट्री कैसे ले सकता हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप उसको देख कर अपने लिए ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।